साउथ फिल्मों का दबदबा हाल ही के दिनों में काफी बढ़ रहा है, उसके टक्कर में बॉलीवुड फिल्में कहीं पीछे छूटती जा रही हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं साउथ इंडस्ट्री की 10 ऐसी मूवी जिन्होंने भर भर के पैसा कमाया है। लिस्ट में पहले नंबर पर आती है बाहुबली 2। ये मूवी तेलुगु में बनी है। इस फिल्म ने 1810 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया है। KGF चैप्टर 2 ये मूवी दूसरे नंबर पर आती है। ये मूवी इसी साल 14 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने रिलीज होते ही तहलका मचा दिया। ये मूवी मूल रूप से कन्नड़ में है और इस मूवी ने दुनिया भर में 1260 रुपए का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया है। नंबर 3 पर आती है SS राजमूल की एक और मूवी RRR। RRR ने कलेक्शन के कमाई के रिकॉर्ड तोड़ दिए। तेलुगु में बनी RRR मूवी का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 1150 से 1280 करोड़ रुपए के बीच है। नंबर 4 पर आती है निर्देशक S शंकर की फिल्म 2.0 मूल रूप से तमिल में है, जिसने दुनिया भर में 655 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। नंबर 5 पर आती है बाहुबली प्रभास की फिल्म बाहुबली, जिसने लोगों के दिलों पर राज किया है। उसने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस में 600 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। नंबर 6 पर आती है पोनियन सेल्वन 1। ऐश्वर्या राय बच्चन की इस मूवी ने भी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया। इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड 480 करोड़ रुपए कमाए थे। नंबर 7 पर आती है साहो। ये मूवी भी प्रभास की है, जिसने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस में 439 करोड़ रुपए का कलेक्शन करके धमाल मचा दिया। और नंबर 8 पर आती है विक्रम। कमल हासन की मूवी विक्रम ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस में 420 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर धमाल मचा दिया। नंबर 9 पर आती है कांतारा। रोहित शेट्टी की मूवी कांतारा ने पहले साउथ में जमकर कमाई की और फिर हिंदी बॉक्स ऑफिस पर भी धमाल मचा दिया। इस मूवी ने अब तक 400 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की कमाई की है। नंबर 5 पर आती है पुष्पा, जो कि हम सब की प्यारी है। अल्लू अर्जुन की मूवी पुष्पा का तो अपना ही एक अलग स्वैग था। इस मूवी ने 350 करोड़ से भी ज्यादा रुपए की कमाई की है। आपको इनमें से कौन सी मूवी पसंद है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।